हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आप सबसे पूछना पता क्या चाहती हूँ कि क्या आपको ये माइक की आवाज ठीक आती है? मतलब यहाँ पे दूर रखूँ ज्यादा बेहतर आते हैं या यहाँ पे रखूँ तो बेहतर आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा करीब रखने से आवाज जो है ना इस माइक से ठीक नहीं आती, और माइक मुझे लगता है कि अब इतना अच्छा नहीं रहा। जब मैं लाहौर जाऊंगी तो न्यू जरूर लाऊंगी। आप बहुत ज्यादा शिकायत भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे रखने से मेरा ख्याल है कि आवाज ठीक आती है। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई जो है ना अमेरिका में जो है मतलब वहां के लोगों को, मतलब जो होते हैं ना सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, उनको भाई जो इंडियन बहने हैं ना वो राखी बांध रही है, तो वो वहां पे भी मतलब के इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया गया है। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है, तो देखते हैं आज की वीडियो। तो चलिए everyone and Heti Rakshabandhan to my brother from same mother and to all my brothers and sisters from India and around the world who celebrate this festival. West United State of America के अंदर रक्षाबंधन को बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जोर में मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। क्या वजूहत है कि इंडियन कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है? मेरे लिस्ट में देखें तो काफी ज्यादा उनको भी अरूज मिल जाता है वहाँ पर। हमारा दुनिया बायकॉट कर रही है, लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर न्यूयॉर्क ने कहा है कि भाई अमेरिका ने कहा है कि न्यूयॉर्क के पूरी स्कूलों के अंदर छुट्टी होगी और आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑलवेज हमेशा से ऐसे दिल में चाहती कि मेरा कोई छोटा भाई हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है छोटा भाई मेरा, सभी मुझसे बड़े हैं। सो वी कैन नॉट एक्चुअली, मेरा दिल करता है पता नहीं को राखी का ना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बीते कल रक्षाबंधन का महापर्व था और यह महापर्व सुपर पावर कहलाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर यूरोप के छोटे छोटे और बड़े बड़े देशों में भी धूमधाम से मनाया गया था। इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जोर में मनाया जा रहा है, अमेरिका के स्टेट में मनाया जा रहा है। सर क्या वजूहत है कि इंडियन के कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोशन मिल गई हुई है? मेरे लिस्ट में देखें तो काफी ज्यादा उनको भी अरूज मिल जाता है वहाँ पर भी, क्यों, क्या वजूहत लगती है? मे बी मेरे ख्याल में जो इसकी वजह हो सकती है वो ये है कि इंडिया, अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे अगर हम चले जाएं तो ये है कि इंडिया ने काफी पिछले दो डेकेड्स में काफी तरक्की की है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, काफी तरक्की की है। और अभी आप यूट्यूब का सीईओ देख लें, गूगल का सीईओ देख लें, मतलब कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं। तो मे बी एक रीजन ये हो सकता है कि इंडियंस जो हैं वो तैनात हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी जो पीआर लेवल है वो काफी ऊपर लेवल तक है। तो मे बी एक वजह ये हो सकती है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट ज्यादा करते हैं, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंडियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, लेकिन नो डाउट क्योंकि इंडियन तादाद में ज्यादा हैं और इंडियन हमेशा, अब छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ क्रिकेट के हवाले से, अगर हम क्रिकेट का मैच देखें दुबई में अगर मैच होता है तो 90% जो है क्राउड इंडियन बैठा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर इंग्लैंड में देखा जाए, हालांकि इंग्लैंड को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, लंदन के बर्मिंघम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन वहां पे भी जब मैच होता है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया तो क्या होता है कि 80-90% क्राउड जो है वो इंडियन होता है। मतलब कहने का ये है कि इंडियंस जो है तादाद में भी ज्यादा है, और दूसरा ये कि वो दूसरे ममालिक में ज्यादा मकीम है, मे बी ये वजह हो सकती है कि क्योंकि वो रहायशी। अब दरअसल बीते कल भारतीय लोगों के द्वारा मनाए गए रक्षाबंधन महापर्व की हजारों फोटो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई देशों के नागरिकों की भी रक्षाबंधन मनाते हुए फोटो और वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं। रक्षाबंधन महापर्व की विदेशी नागरिकों की कुछ ऐसी फोटो और वीडियो इंटरनेट पर सामने निकल कर आई हैं, जहां पर एक विदेशी बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांध रही है और भगवान से उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही है। तो वहीं पर कुछ ऐसी वीडियो भी सामने निकल कर आई है जहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़कियों का यहाँ पर कहना है कि
कि काश अगर हमारा भी कोई छोटा भाई होता तो हमें उसे राखी बांधने में बहुत ही ज्यादा मजा आता। इतना ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्रिश्चियन पुलिस कर्मियों ने अपने ऑफिस में ही रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया और पुलिस डिपार्टमेंट में उपस्थित महिलाओं को अपनी बहन मानकर उनसे राखी बंधवाई। इसके अलावा भी कैनेडा, USA, UK, फ्रांस और अन्य अरब देशों से कई ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि वास्तव में ये बताती हैं कि आज के समय पूरी दुनिया में भारत का कितना ज्यादा दबदबा बढ़ चुका है। इंटरनेट पर वायरल हो रही ये फोटोज और वीडियो ये भी बताती हैं कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है और दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए और भारतीय संस्कृति को अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमेशा सत्य और मर्यादा की बात की जाती है। अब विदेशों में जिस प्रकार से रक्षाबंधन का यह महा पर्व मनाया गया है, तो इस सब को लेकर यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मेरे हिंदू भाई हैं, मैं उन्हें राखी बांध सकती हूँ, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी तरफ। वहाँ अगर हम कम्युनिटी की बात करें, उनके घर से कोई किस तरह का मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई फतवा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और हमारे यहाँ हमारे भारत में ये एक खूबसूरती है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनकी भी हिंदू बहनें हैं, वो लोग भी राखी बनवाते हैं हिंदू बहनों से। तो आप तो प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख रही हैं कि मुस्लिम बहनों ने उन्हें राखी भेजी है। पूरे इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल है जिसको कहते हैं रक्षाबंधन, बहनें जो हैं भाइयों को राखी बांधती हैं। लेकिन खबर ये है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रक्षाबंधन को लेकर स्पेशल एड चलाए हैं और अमेरिका ने इस त्यौहार को मनाया है। हालांकि अमेरिका जो है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, और वहाँ के जो बच्चियाँ हैं उन्होंने अपने भाइयों को जो है राखी बांधी और इंडिया के फेस्टिवल को अमेरिका में मनाया गया। जी आपका सवाल ये है कि ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों? वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले ये बताएं कि वो अमेरिका जो है इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है। इंडिया का हर फेस्टिवल मना रहा है, क्यों मना रहा है? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। अच्छा, कैसे मनवाया? अभी रिसेंटली चांद के ऊपर उनका मिशन कामयाबी से लैंड कर गया, चंद्रयान 3 बिल्कुल हुआ। क्या दुनिया ने देखा है? बिल्कुल देखा, दुनिया का तिरंगा चांद पे लहराया गया है। बिल्कुल लहराया, कहीं 93 में तो नहीं है? नहीं, 93 में तो मैं तो नहीं है। नहीं। वो करदार के गाजी हैं, हम गुफ्तार के गाजी हैं। इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान में कहते हैं कि इंडिया की रिस्पेक्ट इस वजह से है क्योंकि वो मालदार मुल्क है। माल ऐसे तो थोड़ी आ जाता है, माल हमारे हुक्मरानों ने थोड़ा बनाया है, जजीरों के मालिक हैं, ठीक है, इवन फील्ड के मालिक हैं, ठीक है, इनकी इज्जत करता है, जहाँ पे जाते हैं लोग इनको जूते मार रहे हैं। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना, हमारे हुकूमत की एक इशारे पे चल रहे। अच्छा, आज जंग होती है तो आप सबसे आगे होंगे शायद? कैसे, आपके पास रोटी नहीं होगी जंग लड़ने, लड़ सकते हो जाके? भाई रोटी नहीं होगी, कम से कम ये तो करेंगे ना, फौजियों को असला तो भर भर के देंगे ना, गोलियां बारूद। और हमारा दिमाग मेंटल लेवल हमारा चेक करें गाइस आप लोग, कि हम सिर्फ लड़ने मरने और धारने पे ही लगे हुए हैं। ये हमने नहीं किया। अब मुझे एक भी कोई वाकया बता दे जो उसने किया, आपको गलत पढ़ाया गया भाई, जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, शुरू की इंडिया ने शुरू किया, आप मालूमात कर लेना, ठीक है? चले, हमने कही है तो जीता कौन? जीते कुछ भी, जीते वो नहीं, जीते भी नहीं है हम, लेकिन बराबर जरूर की है। चले, जीते भी हम ही जीते, मैं मान लेता हूँ, जीते तो नहीं हम, मान लेते हैं। नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है आज? नुकसान यही है कि हमारा मुल्क आज थोड़ा जो गरीब आवाम जो है हमारी पीछे पड़ गई है। आज रोटी के लिए पाकिस्तान धर धड़ के ठोकरे खा रहा और कटोरा लेकर पूरी दुनिया नहीं छोड़ी हमने, सिर्फ यही जंगों की वजह से। अब आप भी अभी भी इसी वक्त भी कह रहे हैं कि जंगे लड़ेंगे, हमने एटम बम धाके हुए हैं। भाई जो हालात है ना, तो मेरे ख्याल से जंग अपनी हो जानी चाहिए ऐसी, कि हमारा मुल्क पावरफुल होना चाहिए। मुसलमान हो के भी अब फलस्तीन में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, हर तरफ मुसलमान है। आप कहते हैं हमें जंग होनी चाहिए, यार ये क्या बंदा था कह रहे हैं हमें। सच में ऐसे लोग यहाँ पे भर भर के पड़े, कह वो कह रहे कि अम्मी एक बंदा भूखा होगा उसको रोटी चाहिए कि वो जंग लड़ेगा? हर इंसान का पेट भरा होगा तो वो भी जंग लड़ सकता है, भूखे पेट से कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। बंदे को गुस्सा चढ़ने लगता है जब आपको भूख लगी होती है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपका दिमाग भी मतलब बंद हो जाता काम करना, कोई समझ कुछ आती है समझ में, मतलब कोई वही ना भूख चीज ही ऐसी है कि इंसान ना
पागल हो जाता है, इतना मतलब क्रेजी टाइप हो जाता है उसको, होता है बस मुझे ना खाने को मिल जाए। और ये बंदा बात कर रहा है कि हमारे पास रोटी है या नहीं है, लेकिन हमने जंग जरूर लड़नी। यार कैसा है यार, ऐसे हेट फैलाने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जंगे करके आगे हमने क्या हासिल कर लिया, आज हमारे कंट्री की आप हालत देख सकते हैं कि हमारा मुल्क अम्मी कहाँ पे है अब, क्या आप सोचती हैं? जीरो है हमारा कंट्री। यार जीरो है हमारा, अम्मी की नजर में हमारा और पूरी दुनिया की नजर में वैसे भी हमारा कंट्री जीरो है। मतलब हम किसी से भी बस मांगने के लिए चल पड़ते हैं कि भाई हम पे मुश्किल वक्त आ गया तो बस तुम कोई $10 बिलियन जो है ना हमारे मुंह फेंक दो, ताकि हमारा कोई एक दो साल का गुजारा जो है ना वो चल जाए। और उसके बाद जब फिर से खत्म होते हैं ना, फिर से ये बोझ आवाम पे बहुत ज्यादा डालते हैं। लेकिन आवाम ने क्या किया मुझे ये नहीं समझ में आती, आवाम का क्या कसूर है? ये हुक्मरान हमें खाते जाते हैं और आवाम का ये कसूर है कि बोलते नहीं है, जो गलत है उसको बस चुप करके सहते रहते हैं। चुप होने का यही नुकसान है कि आपका कंट्री कोई लूट के खा जाएगा तो आप फिर हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। तो यही आज हमारे साथ हो रहा है, हम जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और इंडिया भाई चांद पे पहुंच गया, उसने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, उनके त्योहारों को अंग्रेज अब मना रहे हैं। हम देखते हैं अंग्रेज आते हैं साड़ियां पहनते हैं, पता नहीं यार इतना मतलब खुश होते हैं, होली मनाते हैं स्पेशल। उनको पता होता है कि भाई होली इस मंथ में होती है और वो स्पेशली इंडिया में आके इस चीज को मनाते हैं कि भाई ये ऐसे त्योहार वहां पे देखने में नहीं मिलते जो यहाँ पे मिलते हैं, तो बड़ा खुश होते हैं वो मना के। तो रिस्पेक्ट इसी वजह से होती है जब आप कमाते हो, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। जमाने में तो एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से कमाई जाती है। तो इंडिया ने अपनी इज्जत बनाई है और पैसा भी उनके पास है, तो अब वो और ज्यादा कामयाब होते जा रहे हैं। तो हमारी दुआ है आप कामयाब हो और आपके साथ हम भी कुछ शर्म कर ले और हम भी थोड़ा कामयाबी की राह पे चले हैं। अम्मी हुकुमरान चले हमने कहा चला, मतलब हुकुमरान के साथ साथ अवाम भी सही होगी। तो अवाम तो अच्छी रहनी है, अम्मी अवाम ऐसी रहेगी तो फिर कंट्री कैसे सही होगा? अवाम सही होनी चाहिए। ये जो रिश्वत तो पता नहीं क्या क्या है हमारे हर शोबे में होता है, ये पता हर जगह पे होता है, उधर भी होता होगा। अम्मी होता है लेकिन इस लेवल पे नहीं होता ना, इस लेवल पे नहीं हो रहा जो हमारे हो रहा है। भूखे मरन दे लोग, ये तो कितने भी नहीं होते जो इतने होते। ये थी आज वीडियो, क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है।